जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम में पब्लिक फोरम हज़ारा में बात कर रहे थे कि सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो मजदूर हैं वो इस वक्त सराप एहतजाज हैं। हमने जो सदर हैं शहीन लेबर यूनियन के सईद ताहिर हुसैन शाह साहब, उनसे भी बात की। हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट राशिद अली राशिद से भी बात की। सदीक और नज़ीब ने भी, आपने भी इस हवाले से बात की और आपके पास कुछ मजीद भी मालूम आते हैं इस हवाले से। लेकिन अभी जो मसला सामने ये आ रहा है कि मुआहदा भी हो गया, सारी चीज़ें चल भी रही थी, कोविड के आने के बाद से उन मुआहदे के अंदर जो आपकी शिकें थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं लोग वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, उनके घरों के मसाइल हैं और वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो वहाँ से अपने घर वालों को पैसे नहीं भिजवा सकते। तो अब उन्होंने यही हल निकाला है कि वो प्रोटेस्ट करें। 3,000 लोग इस वक्त शराय के काम पर मौजूद हैं, तो अभी वो कहते हैं कि मजीद एहतजाज का हमारा इरादा है जब तक हमारे मामला हल नहीं होते। कैसे अब इसी तरह जिस तरह राशिद साहब ने भी बताया, ताहिर साहब शाह साहब ने भी बता दिया कि 3,000 से ज़ायद लोग हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब इंतज़ामिया हमारी अहम रोल अदा कर रही है वहाँ पर, उन्होंने कोशिश की कि वो मामला हल कर सकें, लेकिन हमारे अवामी नुमाइंदे जिस तरह आपने भी उनसे सवाल अवामी नुमाइंदे हमारी सूबाई हुकूमत हमारी वफाकी हुकूमत इस मसले को हल कर सकती है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है चाइना, हमारा आपको पता है कि दोस्त मुल्क है, और बड़ी कंपनी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से साइन हुए, किसने करवाए, क्या मामला तय पाए, ये सारे जो हैं, क्योंकि अब इंतजामिया के मर्जी से तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए होंगे, इंतजामिया की मर्जी से तो नहीं बने होंगे, ना मुंतखब नुमाइंदों ने बनाए होंगे, लेकिन अब ये मसला बन गया है, लोग परेशानी में और मकामी लोग जो हैं वहाँ पर उनको भी मुश्किलात का सामना है और बाकी पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर गए हुए हैं जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा है। इंतजामिया को आना चाहिए, हुकूमत को आना चाहिए, सूबाई हुकूमत को आना चाहिए, वफाकी हुकूमत को आना चाहिए कि जो मजदूरों के मसाइल हैं, और सबसे बड़ी बात सख्त सर्दी है इस वक्त नारान कागान में, मानसरा के अंदर, और शाहरा कागान जो है वो बंद पड़ी है पिछले 6-7 रोज से और 3,000 लोग अभी भी शराय कगान पर मौजूद हैं, तो इनके मसाइल को जल्द हल होना चाहिए और इंतजामिया को, और फिर मैं कहूँगा सूबाई हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और तमाम तर मामलात को अच्छे तरीके से तय करना चाहिए। सदीक औरंगजेब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है ग्रीन गोल्ड। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो हज़ारा डिवीजन की खूबसूरती हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लें, वहाँ पर ये सब्ज जंगलात जो हैं ये वहाँ का हुसन है, लेकिन मखसूस टाइम के अंदर मखसूस लोग, मखसूस माफिया जो है मैं कहूँगा कि वो उस जंगल को आग लगाता है और उसका नुकसान वहाँ पर ट्रेन प्रिंट जो भी है वहाँ पर दरख्तों को भी होता है वो सब भुगतते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारा जो माहौल है, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो भी रुनुमा होती है। कैसे अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, मतलब देखें हज़ारा डिवीजन हमारा है ही कुदरती, मतलब वहाँ पर खूबसूरती देख लें, कुदरती खूबसूरती, और कुदरती खूबसूरती किस वजह से हमारे जंगलात से, हमारी ग्रीनरी, अल्लाह ताला की देन है, कुदरती। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब हम लोग बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं, हमारी हुकूमत जो है वो इस मुल्क को मजीद खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए दरख्त लगाओ जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन दूसरी जानब हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ पर भी ये दरख्त कुदरती हुसन हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, हम लोग उसको महफूज बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। बिल्कुल, देखें कैसे साहब, मतलब सबसे पहला सवाल तो ये जलाया क्यों जाता है इनको, इनको आग क्यों लगा दी जाती है और महसूस टाइम में। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलो, मैं मानसरा की बात करूँगा, मानसरा की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपका सिरन वैली, सिरन वैली मोस्टली इस तरह वो पहाड़ी इलाका है, दरख्त वहाँ पर ज़्यादा है, जंगलात वहाँ पर ज़्यादा है, इसके अलावा हमारा कागान नारान मोस्टली इस तरह का है, फिर आप एबटाबाद आ जाएँ तो एबटाबाद भी इसी तरह आपका मरी अयूबिया नथे गली जंगलात हैं, और ख़ास इसी टाइम पर आप यकीन करें आपके हर दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमें। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं आपसे, सदीक औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीनुल हसन हैं असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद, उनसे बात करते हैं। अमीनुल हसन साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अमीनुल हसन साहब, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन गोल्ड के हवाले से, हज़ारा की खूबसूरतियों के हवाले से, जंगलात के हवाले से, क्योंकि हम लोग हज़ारा ड्यून के ऊपर फोकस किए हुए हैं, हम लोग एवरी वीक जो है हज़ारा की इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। ये प्रोग्राम मैं आज से पहले भी कई दफ़ा कर चुका कि जब भी ये महीना आता है नवंबर का, दिसंबर का, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि चाहे वो मानसेरा हो, एबटाबाद हो, हरिपुर हो, बड़ग्राम को स्थान तक भी जंगलात में आग लगाई जाती है। आग लगती है या लगाई जाती है, पहले तो ये बताइएगा। सर, आग लगाई जाती है। अच्छा, लगाई जाती है, तो ये लगाने वाले कौन है, क्यों नहीं ये पकड़े जाते, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती? सर, इसमें दो फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट ना। एक तो ये है, देखिए बस आजकल बारिश नहीं हो रही काफी टाइम से, तो बस आग लग भी जाती है, मैं इसको मतलब ऑल टुगेदर नेगेट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो आजकल लग रही है, कुछ 14 इंसिडेंट हुए हैं हमारे इस दो वीक्स में, तो ये लगाई जाती है। और लगाई इस लगाई क्यों जाती है, इसके दो बुनियादी मतलब फैक्टर हैं जो हमारे नोटिस में। पहली बात तो ये कि लोगों को, जो लोकल्स हैं उसी गाँव के, उनको घास चाहिए होती है,
जब दरख्त ज्यादा होते हैं, जंगल घना होता है, तो उनके घास सही नहीं उगती, जिसकी वजह से वो लोग, और उसके पत्ते भी दरख्तों में गिरते रहते हैं जिसकी वजह से घास नहीं उगती, तो वो लोग क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं थोड़े थोड़े रकबे पे कि यार चलो ये ऊपर से पत्ते जल जाए तो नीचे से नेक्स्ट सीजन में अच्छी घास हो गए। लेकिन ये जो आग बड़े स्केल पे लग रही है, जिस तरह लास्ट वीक भी ये दो दिन पहले भी ठंडियानी वाली साइड पे, इधर अपना नशे गली वाली साइड पे लगी हुई थी, ये लोग लगाते हैं, इनके लगाने की वजह, इसमें माफिया भी इन्वॉल्व है, वो क्योंकि दरख्त सूख जाते हैं, फिर उनको उन दरख्तों को काटने का एक बहाना मिल जाता है। अब अमीनुल रसूल साहब, आप यहाँ पर जरा रुकिएगा, आपने कहा कि माफिया भी मौजूद है, मुझे भी पता है माफिया भी मौजूद है, ये माफिया इतना बासर है, इतना मजबूत है, इतना ये तगड़ा है कि इस माफिया के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी, अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो किसी फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ, किसी भी मामूली सी कोई कार्रवाई किसी गाँव वाले के खिलाफ हो जाती है, ये लोग बासर लोग हैं। नहीं, ऑब्वियसली ऐसा ही है, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल वो कोर्ट वाले प्रेमिसेस में जाके तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि जो फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो अभी एग्जेक्टिव के पास हमारे पास आई, अभी हमारे पास, हमने ट्रायल उसकी स्टार्ट नहीं किए, मतलब फंक्शनल नहीं हुई, इसमें इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि ये जो माफियाज हैं डेफिनेटली ये स्ट्रांग भी हैं, हर पूरे मुल्क में चीनी माफिया, आटा माफिया, तो ये जंगल माफिया तो ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो सबको पता है, और इनके लोकल लिंक्स भी हैं। फिर बस समटाइम्स पे हमने ये भी फील किया कि यार जो हमारे अपने वहाँ पे लोग डिप्लॉयड होते हैं वो भी समटाइम्स, उनकी लैक्सिटी भी होती है, तो ऑब्वियसली ये बात है, और वो अनकंट्रोल्ड नहीं होते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जंगल में आग लगाने वाला आज तक 2015 से ऑनवर्ड से परसों मैंने रिकॉर्ड देखे, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। देखेंगे जंगल की आग हर साल लगती है, हर इन दो महीनों के अंदर, अब हमें पता है कि नवंबर दिसंबर के अंदर, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूं इससे पहले, कई प्रोग्राम्स किए हैं कि ये वो दो महीने हैं कि जिस महीनों के अंदर आग कभी हरिपुर रिपोर्ट होती है, कभी एबटाबाद होती है, कभी मानसेरा होती है, कभी बडग्राम कोस्तान होती है, हर साल होती है, लेकिन पकड़ा कोई भी नहीं गया। क्या इंतजामी अफसरान, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारी पुलिस या हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना कमजोर है कि किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, न पकड़ा जाने की सबसे बड़ी वजह यह है ना कि जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है वो एक बंदा होता है, उसके पास बहुत बड़ा रकबा है, ठीक है, वो अगर चार दिन पूरा भी उसमें घूमता रहे ना तो वो पैदल नहीं चल सकता, उसके पास इतना बड़ा रकबा होता है वॉच करने के लिए, तो अगर एक साइड पे अगर वो ड्यूटी बहुत अच्छी भी कर रहा है तो दूसरी साइड पे किसी ने आग अगर लगा दी तो वो हवा के दबाव से, हवा के प्रेशर से, हवा के रुख पे वो आग फैलती रहती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा पकड़ा इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, अब लोकल लोगों को पता भी होता है कि किसने लगाई होगी, लेकिन बोलता कोई नहीं, आपको पता है कि इलाकाई सतह पर लोगों के मसाइल होते हैं इसलिए कोई नहीं बोलता। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर गांव की सतह पर कमेटीज भी बनाई हुई हैं, जब ये बिलियन ट्री इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आया उसमें हर एक जो फॉरेस्टर था उसने अपनी मर्जी से आगे गार्ड्स भी रखे हैं, उनको 15,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट सैलरी भी दे रही है, तो इवन देन जो है वो फिर भी इस तरह के इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हो जाते हैं। अब प्लान क्या है, या ऐसे ही चलता रहेगा कि हम लोग बस देखते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है बिलियन ट्री सुनामी का कि हज़ारा के अंदर, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है, कुदरती हुसन है, खूबसूरती है, ये ग्रीन गोल्ड हमारे पास मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से, इसको कम अज़ कम बढ़ाएं ना, तो इसको बचाएं तो सही ना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेफिनेटली इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जो फोकस है वो ट्रीज पे ही है, जंगलात पे ही है, और ये वाकई में बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अब इशू ये है कि इसको, अब बुनियादी सवाल ये है कि पकड़ना कैसे है जो आग लगा रहे हैं, ये तो आपने पकड़ना है आप लोगों के पास। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या, हम इस पे किस लाइन पे सोच रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें हम ट्राई कर चुके हैं, कमेटी बन गई, गार्ड रख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन असर नहीं आया। तो अब एक प्लान ये डिस्कस हो रहा है कि यार जिस तरह एक जमाने में अंग्रेज करते थे, अगर एक बंदा छोटा सा कोई इस तरह क्राइम करता था, आग लगाता था या कत्ल करता था या डकैती होती थी, तो उस इलाके के जितने लोग होते थे उन सारों को जो है वो मतलब पिनलाइज किया जाता था, ठीक है, उनके मशरान को पिनलाइज किया जाता था। फिर क्या होता है कि वो जब लोगों को पता होता है कि अगर इस गाँव में आग लगेगी और पूरे गाँव को फाइन होगा या पूरे गाँव को जेल जाना पड़ेगा, तो फिर उसकी ऑनरशिप लेते हैं। तो इस हवाले से क्या प्लान्स हैं, ये चीजें वाकई आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हो सकेंगी, कोई मोस्टर हमली है? हम जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो इसमें ग्राउंड लेवल पे क्यों काम करते हैं, तो हमें ग्राउंड लेवल की सिचुएशन का अंदाजा होता है। हम तो एक प्लान प्रपोज कर सकते हैं कि अगर इस तरह किया जाए तो ये रिजल्ट निकल सकते हैं, आगे इसका अप्रूवल देना है तो डेफिनेटली जो लोग असेंबली में हमने सिलेक्ट करके भेजे हैं वो इसको मतलब बेहतर तरीके से मतलब फ्रेम कर सकेंगे। अमीनुल हसन साहब, फिर आपने वो बात कर दी आखिर में कि ये बात जो आपने की है ये फिर ना ही समझे? नहीं ना ना ना, तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखें अगर आप ये बेशक एक पिटा कटा रहता है, ये तो सारा एफसीआर वाला फॉर्मूला है ना, आपको पता है कि फाटा में किस तरह होता था, ये एफसीआर फॉर्मूला है। लेकिन अब जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उसको जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि कोई उससे बेहतर रास्ता आपको मिल जाए, ज्यादा एमिकेबल रास्ता मिल जाए।
मैंने जो फॉरेस्ट अफसरान हैं उनसे भी बात की थी, मैंने उनको कहा था, बल्कि उन्होंने खुद ही हमें कहा कि जो फॉरेस्ट गार्ड्स की जो कमी है उसको पूरा करने के हवाले से हमारा प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है, वो जल्द ही हम लोग अपने गार्ड्स की तादाद में इजाफा करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक उसमें कोई मेरा ख्याल है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, चीज़ें बेहतर नहीं हुई। देखिए इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी हमारे अगर आप मतलब मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर कर सकता हूँ जो मतलब ऑन ग्राउंड हमें फेस करनी पड़ी कि हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड है वो तो एक बहुत बड़े एरिया के लिए एक छोटा एक गार्ड है, वो उसको कवर ही नहीं कर सकता। दूसरा उसके पास अगर छोटी मोटी आग लगती है उस आग को बचाने के लिए उसके पास कोई इक्विपमेंट है ही नहीं है सर, इसे किसी किस्म का मतलब उसके पास कोई एक लाठी भी सीधी नहीं है, जो एक लाठी उसने पकड़ी होती है वो पूरे जंगल में घूम रहा है। एग्जैक्टली वो उस एक लाठी के आगे एक छोटा सा प्लास्टिक लगा होता है उससे वो जंगल की आग बुझा रहा, तो उससे उसकी अपनी जान खतरे में होती है, उसके पास कोई लिबास नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं कि अब पूरी एक पूरी बीट में सिर्फ हेड ऑफिस में दो लिबास पड़े होते हैं, मतलब फायर प्रोटेक्शन के जो लिबास होते हैं, और जब किसी जगह पे आग लगेगी तो वो पहले गार्ड उठ के उस जगह आएगा, वहां से लिबास लेगा और फिर आग बुझाने जाएगा, तो उस वक्त तक आग उसके काबू से कहीं दूर निकल चुकी होती है, बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है। अमीनुल्लाह साहब सलूशन दें, कोई प्रोग्राम क्या है, करना क्या है, बातें ये सारी आपने दुरुस्त की, हमने भी यही बातें की कि मामला ऐसे ही हैं, लेकिन हम लोग इसको कैसे महफूज बना सकते हैं, कर क्या सकते हैं ये बताएं। सर सबसे पहली चीज जो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो कम्युनिटी ऑनरशिप है, कम्युनिटी उसकी ऑनरशिप ले कि भाई ये जंगलात हमारे हैं, इसका नुकसान और फायदा हमारा है, तो फिर उसको मतलब काबू करने में आपका 60% 70% काम यहीं पे हो जाएगा। देखिए चेक एंड बैलेंस भी बहुत जरूरी है लेकिन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इस हवाले से WWF ने 2008 में एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, ये वेस्टर्न जितना भी इको रीजन है हमारे वेस्टर्न हिमालयन इको रीजन में ये सारा गलियात हो रहा है, सारा एरिया आता है इसमें, इसमें उन्होंने बड़े मैस लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व भी किया है और लोगों को फैसिलिटेट भी किया है कि यार वो जंगल को ना आग लगाए ना लकड़ियां काटें बल्कि ज्यादा प्लांटेशन भी करें, उन्होंने वो प्लांट भी किया, लोगों को बाग भी लगा के दिए, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो इन प्लेस हैं। इन प्रोग्राम को ज्यादा अगर मजीद थोड़ा सा इनको एनहेंस किया जाए, स्प्रेड किया जाए तो फिर कम्युनिटी ऑन बोर्ड हो जाएगी, जब कम्युनिटी ऑन बोर्ड होगी तो फिर आपको चोर पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया अमीनुल्लाह हसन साहब, असिस्टेंट कमिश्नर रैप्टाबाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें की, बहुत साफ बातें की, और यही बातें आपको करनी चाहिए कि आप एक सरकारी अफसर हैं और आपको पता होना चाहिए कि मसाइल कहाँ पर हैं और कैसे उनका हल निकाला जा सकता है। वो कहते हैं जी कि हमारी फिर भी कुछ लिमिट्स हैं, हम लोग चीज़ों को प्रपोज कर सकते हैं, और प्रपोज करके जब वो जाएंगी गवर्नमेंट के पास, जब वो जाएंगी असम्बली के अंदर, मंजूर कराना मुंतखब नुमाइंदों का काम है। साहब नुमाइंदों की जहाँ तक बात आ जाती है वही अमीनुल हसन साहब ने भी कहा तो फिर तो ना होने वाली बात समझ लें। मैं तो समझ गया, मैंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों का जिक्र तो हम लोग अक्सर करते हैं लेकिन फिर भी देखें ये चीज़ें हमारी बका के लिए हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर आपने अपने हल्के के लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर आप उनको एजुकेट भी करें, आप उनको बताएँ कि ये कितना ज़रूरी है कि अपने अपने जंगलों को, अपने जंगलात को, अपने चिन पिन को, उस माहौल को जो है वो महफूज बनाना है ताकि आप आपकी नस्लें जो हैं, आने वाली नस्लें जो हैं, वो बेहतर मुस्तकबिल उनका हो। तो ये सारी चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी हैं। अब इस हवाले से अगर कोई एजुकेट करने के हवाले से हमारे सियासतदान जिस तरह बड़े बड़े जलसे करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, ऐसे कुछ जलसे रखें और इसी के ऊपर फोकस करें। के अलावा मेरी एक राय है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बताया कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और वो ऐसे तो नहीं ना हो सकती। अब बंदा जिस तरह इन्होंने कहा कि हम अगर सपोज इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग पूरे गांव को प्रेशराइज करेंगे कि उस बंदे का नाम बता दें, लेकिन इससे बेहतर मेरी पूरे गांव को सजा देंगे अंग्रेज दौर की तरह से। लेकिन वो कहते हैं कि चीजें हम लोग प्रपोज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कानून बनाना जो है ये, लेकिन कैसे साहब इससे हट के अगर ये और कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम इनके इख्तियारात इतने तो हैं, ये आगाही मुहिम तो स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ उस उन इलाकों में तमाम दर जितने भी जहाँ पे जंगल के एरिया के अंदर अगर कोई इस तरह का गांव है जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जिक्र किया, वहाँ पे आगाही मुहिम स्टार्ट कर दें, आगाही लोगों को दें कि यार इस तरह का वाकया हो जाए तो ये आप लोगों का जंगल है, जाहिर है मतलब इसी वजह से ये खूबसूरती है, लोग यहाँ पे मतलब सियाहत की अगर बात करते हैं तो सियाहत के सिर्फ इस जंगलात की वजह से है, खूबसूरती की वजह से, उन लोगों में आगाही मुहिम मैं समझता हूँ स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा हम लोग जब बात करते हैं वफाकी हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत की, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो कहते हैं कि माहौल को खूबसूरत बनाना है और जो हमें इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों का जो सामना है उससे हमने जो है ना उसको बेहतर तरीके से उसको गुजारना है और अपने माहौल को, अपने पाकिस्तान को बेहतरीन पाकिस्तान बनाना है, तो हमने बिलियन ट्री सुनामी, हर जगह पर हमने दरख्त लगाने हैं, जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे उतना अच्छा हमारा जो माहौल है वो आपको मिलेगा, और दरख्त लगाने के हवाले से करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी खर्च किए गए, अरबों रुपए खर्च किए गए, और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अरबों दरख्त जो हैं जो लगे भी और अरबों रुपए भी लगे
उन दरख्तों की खरीदारी पर, उनको पहुंचाने पर, उनको लगाने पर, वो खड्डे खोदने पर, वो पैसे जारी बात है इस मुल्क की गरीब आवाम के थे, और अगर उन दरख्तों को कोई ऐसे बेदर्दी से जला देगा, काट देगा, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। और जहाँ पर हम लोग रियासत मदीना की बात करते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होने देंगे, तमाम तर जिम्मेदारों के खिलाफ और इदारों को, ख़ास तौर पर ऐसे इदारों को जिनकी जिम्मेदारी है, अगर एक फॉरेस्ट गार्ड जो है वो बहुत बड़े जंगल में अकेला घूमता होगा, उसके पास एक छड़ी उठाई होगी, तो वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, वो उसको नहीं बचा सकता। तो उन इदारों को मैं समझता हूँ कि फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको मजीद सहूलियात देनी चाहिए ताकि वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें। बिल्कुल कैसे साहब, यहाँ पे जिस तरह आपने जिक्र किया, मैं ज़रूर यहाँ पे, हमने आपको याद होगा मैं बारहा रिपोर्ट्स भी करता रहा हूँ सिरन वैली के अंदर। अब देखें, हमने रिपोर्ट जिस तरह चलाई कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई की जा रही है, तो फिर जो हमारे एंटी करप्शन के इंचार्ज हैं, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर उनको लाइव लिया था, तो उन्होंने फिर जब उनको ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो फिर उसके बाद वहाँ उस इलाके के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहाँ उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। बस ऐसे ही होगा सदीक औरंगज़ेब, हम लोग उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और हमारी हुकूमत, हमारे जिम्मेदार लोग जो हैं वो अपना काम ठीक से करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है ट्रामा सेंटर हरीपुर की सहूलियात जो हैं वहाँ पर भी नहीं है, फुकदान है, इस हवाले से बात होगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा।